ईशा क्या बोल रही है, क्या कर दिया आंटी ने? मेरा कार्डबोर्ड वाला वो बैग दिया, वो मेरा कूड़ा था ना, इसलिए आंटी को नहीं पता था। और ये देखा लगा कर रही है बर्तन साफ। हेलो कर दे रेखा, हेलो रेखा। देखती है मेरी वीडियो? देखती है तू वीडियो? देखती है? कैसे लगता है? बढ़िया बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर दें और हम चलते हैं क्लास लेने। काम किया मैं टेंशन फ्री रहते हैं क्योंकि रेखा कर देती है, तो झाड़ू पोछे बर्तन की तो टेंशन नहीं रहती, डस्टिंग भी। तो अब मैं लूंगी क्लास, बस चाय पी है, बच्चा पार्टी है, देखो छुट्टी बन रही है, समर वेकेशन अभी उठाए जस्ट। और ये तो नहा ली उठ के मेरे साथ, ये नहाया भी नहीं है ठीक, और उसने पैक पैक करा हुआ है। एक मिनट, ये नाइशो को बैग है और बिकॉज इसकी समर वेकेशन चल रही है तो इसको कहीं ना कहीं घूमने जाना है, तो उसके लिए इसने अपना बैग पैक कर लिया है खुद ही, कपड़े वपड़े खुद ही रख के बैठ गई है कि चलो घूमने। सच्ची में रख लिया इसने तो, मुझे लगा मजाक कर रही है। आज मेरे बाल में चिपकू चिपकू वॉश कर रहे थे, बड़ा थर्सडे है, ध्यान नहीं रहा कल करूंगी। तो बस अभी लापी ऑन कर रही हूँ क्लास के लिए, क्लास लेंगे लैपटॉप पे और पेपर्स। अभी इस सेमेस्टर में मैं पढ़ा रही हूँ एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस लॉ, तो बस वही क्लास लेनी है। यार अच्छा, घर के अभी रेखा को मैंने दिखाया तो रेखा की वजह से मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स यूजली मैं लोगों से सुनती हूँ कि मेट्स टाइम पास करती हैं, काम नहीं करती हैं अच्छे से ये वो, बट रेखा की वजह से मैं तो रिलैक्स रहती हूँ। और काफ़ी सालों से मेरे काम कर रही है, नाइशा पैदा हुई थी तब से कर रही है, तो इसका काम अच्छा है। बल्कि इनफैक्ट मैं ये नहीं आती तो मुझे हो जाता है कि काम कैसे करूँ, तो क्योंकि डस्टिंग भी वो करती है तो सारा सामान वामान सेट करना और छत दरवाजा चेंज सब कुछ है ना, अच्छे से बहुत अच्छे से करती है। उसको कहीं ना कहीं जाना है समर ब्रेक में, तो कहीं नहीं तो नानी के पास तो चली जाएगी, नानी मामी हैं उसकी, तो वहाँ तो जाएंगे तो बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ब्लॉग बनाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो फिलहाल मैं वही कह रही थी हाँ कि मैं रिलैक्स रहती हूँ, रहती है तो टेंशन फ्री रहती हूँ, बच्चों को भी कई बार देख लेती है वो, तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं खैर ऐसे बेड्स ना, नो डाउट। तो चलो एनीवेज स्टार्ट करते हैं, लैपटॉप ऑन है, बच्चों को ज्वाइन करवाती हूँ, क्लास ज्वाइन करवाती हूँ, चलो आपको थोड़ा सा दिखाती भी हूँ ज्वाइन करा के और मिलते हैं फिर। तो ये देखिए अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, अभी एक स्टूडेंट ज्वाइन किया है। तो ये देखिए एडमिट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। फाइव टेन मिनट्स में जब सारे ज्वाइन कर लेते हैं देन वी स्टार्ट आवर क्लास। तो इन लास्ट लास्ट वी स्टडीड अबाउट बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, फॉर्मेटिंग क्या होती है, एडवांटेजेस और एसेंशियल्स क्या होते हैं बिजनेस प्लान की। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टार्टअप्स एंड द बेसिक स्टार्टअप प्रॉब्लम्स जो हमें सामने आती है और फाइनेंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्नेहशास वर्ल्ड। और आज हम लोग निकल रहे हैं जयपुर बाय यार कार, क्योंकि ना बैग पैक भी कर लिया, पीछे रखा है। मतलब अभी हम निकल रहे हैं फ्रेंड्स और अभी बज रहे हैं 9:30, तो देखते हैं कि तुझे पहुंचते हैं। बस बच्चे और मैं ही जा रहे हैं समर ब्रेक के लिए, जिंदाबाद गाड़ी लिए मम्मी, पापा नहीं लेके आते पर हाँ, चलो फ्रेंड्स तो रास्ते क्योंकि ऑफिस रास्ते में आपको दिखाते हैं, कहीं रुकते करते हैं जो भी रहेगा, क्योंकि हमने नाश्ता भी नहीं किया तो देखते हैं या तो रास्ते में नाश्ता करेंगे तो निकलते हैं।
तो ये बस हम निकल गए हैं कुंडली की साइड। पूरा देख सकते हो आप सुनसान। एक मिनट। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम 9:30 बजे निकले थे और 12:15 हो गए ऑलमोस्ट। 9:45 के बीच में चिप्स लेने रुक गए थे हम लोग खंजाबला पे, और उसके बाद फिर पेट्रोल भरवाया मैंने बहादुरगढ़ में, और उसके बाद हम जैसे केएमपी के लिए हुए ना, वहाँ पे हमारा रास्ता घूम गया और हम खरखोड़ा की तरफ पहुँच गए। तो पूरा आधा घंटा हमारा एक्स्ट्रा हो गया जो गूगल मैप, और फिर यू टर्न करके हम वापस आए हैं। तो अभी जो डेस्टिनेशन अभी तो मीन्स यहाँ से 4 घंटे दिखा रहा है जयपुर। पार्टी खा रहे हैं ये लोग, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, एंड मैं ड्राइव कर रही हूँ कार। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर दूँ। गर्मी, धूप बहुत तेज है यार, बहुत तेज धूप है, और ऊपर से केएमपी एक्सप्रेस एकदम सुनसान टाइप से ही है। मैं सुनसान, गाड़ियाँ खूब चल रही है बट ऐसा रिजॉर्ट होटल कुछ नहीं है, तो बड़ा खाली खाली सा लगता है इस रोड पे। देखो दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से, और खाली रोड है इसीलिए मैंने कैमरे को ऑन किया था, वैसे मैं ऑन भी नहीं करती। आप लोग सोचोगे कि गाड़ी चला चलाते वो कर रही है, तो मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि रोड खाली है और अच्छी खासी चौड़ी रोड है। और ये आयुष पीछे पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहा है, नाइशा भी। ये देखिए आप रोड, एकदम खाली रोड है और आसपास पूरा जंगल है। ये देखिए एकदम जंगल। अभी यानी हम 23 किलोमीटर है मानेसर निकल जाएंगे, और फिर हम आ जाएंगे नेशनल हाईवे पे जयपुर पे। तो बस फिर मेन सीधा सीधा जाना है, देखते हैं कैसे रहता है। लेंगे बीच में मिड स्टॉपेज लेंगे कहीं ना कहीं पे लंच के लिए, तो सीधा आपको लंच पे ही मिलेंगे जहाँ भी स्टॉप लेते हैं ना आयुष। हाँ। बस खाना खाने का तो मन नहीं है, रोटी सब्जी तो नहीं खानी, बट कुछ अच्छा सा देखते हैं, कुछ मिलता है तो ठंडा ठंडा शेक वेक और कुछ देखेंगे क्या रहता है। काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं रास्ते में, तो बस चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपको आगे। तो फ्रेंड्स अभी 3 बज गए हैं, वी आर रनिंग लेट, 1 घंटा लेट चल रहे हैं हम लोग, और हम लोग पहुंच जाएंगे अराउंड 4:00 पहुँच जाएंगे, मेरे को लगता है 4:00 पहुंच जाएंगे हम घर पे। हाँ, सराउंडिंग बहुत अच्छी आ गई है इसलिए मैंने हाथ में कैमरा उठा लिया, और रोड खाली है आपको दिख ही रहा है इसीलिए उठा लिया है। अब सीधा कैमरा उठेगा घर में अगर टाइम मिला तो, या घर के आसपास पहुँचूंगी ना तब दिखाती हूँ आपको, और बाकी बच्चा पार्टी दिखाती हूँ क्या कर रही है। पी रहा है जूस और नाइशा पी रही है फैंटा, और खाना हम लेके आए थे घर से तो हमने वही खा लिया है, रोटी सब्जी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं गाड़ी पे ध्यान देती हूँ, घर पहुँचते हैं। तो बस पहुँच के हम लोगों ने कोई शूट नहीं करा, ये नेक्स्ट डे आज का शूट है। आयुष लग रहा है मोबाइल में, नाइशा भी, तो बस बच्चे बिजी हैं, तो आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग में, कुछ लेके आते हैं नया। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। क्यों कुकू 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 माय माय कुकू कुकू।